यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी भारी हंगामा हुआ। बुलंदशहर गैंगरेप के मुद्दे पर बीएसपी के हंगामे के बाद मार्शल्स को बुलाना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने भी अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज खासा हंगामेदार हुआ। आज दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। बीएसपी के विधायक बैनर लेकर सदन में पहुंचे थे। भारी हंगामे के चलते मार्शल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, इससे घबराकर ये इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। 32 मंत्रियों के खिलाफ घोर अपराध दर्ज हो, संगीन अपराध दर्ज हो, अर्थात 56% मंत्रिमंडल ही जब दागी हो, अपराधी हो, तो प्रदेश की जनता को न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जाए। हालांकि इस हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा फंड पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। इस बजट में सड़कों की दशा सुधारने और नदियों को लेकर ज्यादा फंड दिया गया है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में हो रहे हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में विपक्ष को निशाने पर लिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो नाम ही जिसका विपक्ष हो, आप उसे उम्मीद क्या करें। अपोजिशन पार्टी इसीलिए नाम है उनका, या कोई भी काम हम लोग करेंगे उसकी वो अपोजिशन ही करेंगे। यूपी में चुनावी मौसम करीब आ रहा है, ऐसे में एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस की अलग अलग कमेटियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति और टिकट वितरण पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पार्टी की भावी रणनीति के बारे में बताया। कैप्टन के मुताबिक राज्य में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, साथ ही किसी भी व्यक्ति को दो सीटों से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कैप्टन ने बताया कि कांग्रेस के टिकट मांगने वाले नेताओं के 1663 एप्लीकेशन मिले हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनमें उम्मीदवारों के परिवार के लोगों ने भी अप्लाई किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि जिन्हें टिकट ना मिले वो लोग निराश ना हो, पार्टी सत्ता में आई तो उनके लिए कई दूसरे मौके भी होंगे। बैठक के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दिया। कैप्टन के मुताबिक सिद्धू के परिवार के लोग पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लिहाजा वो सिद्धू के लिए कांग्रेस में बड़ी भूमिका तलाश सकते हैं। उत्तराखंड में चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी सूबे में अलग अलग स्थानों में पर्दाफाश रैली कर रही है, जिसके जरिए वो हरीश रावत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में मार्च में हुए सियासी नाटक के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हैं। ऐसे में जबकि चुनावी मौसम करीब आ रहा है, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। इसके लिए बीजेपी पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पर्दाफाश रैलियां कर रही है। इस कड़ी में श्रीनगर में बीजेपी नेता सतपाल महाराज की अगुवाई में पर्दाफाश रैली निकाली गई। रैली में सतपाल महाराज ने हरीश रावत के स्टिंग को लेकर उन पर जमकर वार किए और आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। जिस मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने चाहिए वो मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये एक बड़ा एक वाकया है और इसको हम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम सब ने कुर्बानी दी। वो इसलिए कुर्बानी दी कि भाई राज्य जो है बने और आगे विकास हो। बीजेपी ने इस रैली में आरोप लगाया कि हरीश रावत की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में प्रस्तावित है, जिसके लिए सियासी गोलबंदी अभी से ही शुरू हो चुकी है। केंद्र चुनाव आयोग अब हर 10 साल में राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दर्जे की समीक्षा करेगा। इस फैसले से बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2014 के आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते इनके राष्ट्रीय दर्जे पर खतरा मंडरा रहा था। चुनाव आयोग ने इन पार्टियों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा 5 साल के बजाय 10 साल पर करने का फैसला लिया है। अभी देश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जबकि पूरे देश में 64 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिलता है जब उसे आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें मिली हो, या फिर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिले। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद छोटे दलों को बड़ी राहत मिली है। ई कॉमर्स कंपनियों पर सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने अब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। 29 अगस्त को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। संसद की स्थायी कमेटी ने
जो सिफारिशें सौंपी हैं उसके मुताबिक गलत विज्ञापन और गलत सामान बेचने पर ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर सिफारिश की गई है। हालांकि इस मामले में 5 साल की अधिकतम सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि कमेटी ने इसी साल अप्रैल में मंत्रालय को अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सौंपी थी। रिलायंस जियो और टेलीकॉम कंपनियों के बीच का झगड़ा प्रधानमंत्री के पास तक पहुंच गया है। सूत्रों का कहना है कि पीएमओ टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रहे झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ टेलीकॉम ऑपरेटर से कह सकता है कि वो अपनी शिकायत टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ट्राई के पास लेकर जाए। कल जीएसएम ऑपरेटर्स की संस्था सीओएआई ने प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। सीओएआई के आरोप हैं कि रिलायंस जियो कमर्शियल सर्विस लॉन्च किए बगैर सब्सक्राइबर बना रही है, जिसे सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। वहीं रिलायंस जियो ने सीओएआई पर आरोप लगाया है कि वो कुछ बड़े ऑपरेटर्स के माउथपीस के रूप में काम कर रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। रेलवे ने माल ढुलाई पर बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे ने मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई पर 8-14% की बढ़ोतरी की है। ये भाड़ा 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की दूरी पर माल ढुलाई के लिए बढ़ाया गया है, जबकि 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की माल ढुलाई के लिए भाड़ा घटाया गया है। रेलवे ने सभी स्लैब्स में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 55 रुपए प्रति टन के हिसाब से सरचार्ज लगाया है। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा गुस्से में है। गंगा ने अपने किनारे तोड़ दिए हैं, जिससे बिहार में तबाही मची है। वहीं गंगा के साथ सोन में भी उफान है। बिहार में गंगा किनारे बसे शहर खासे प्रभावित हैं। गंगा और उसकी 6 सहायक नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। पटना, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, सीवान, भोजपुर, बक्सर और हाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि पटना जिले के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल के मालदा में भी गंगा ने कहर भर पाया है, जिसके चलते 20,000 से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार की राजधानी पटना की कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि 24 घंटे में गंगा का जल स्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। बिहार में लोग बाढ़ से बेबस हैं। खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत है। ऐसे में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जले भरने वक्त चिड़कने जैसा बयान दिया है। लालू यादव पटना के पास दियारा में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे। बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार था, लेकिन मिला लालू यादव का मजाक। लालू ने कहा कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आपके घर और चूल्हे तक गंगा पहुंच गई है। 5 साल से बाढ़ न आल है, दियरा में न चढ़ रही, तो गंगा जी चढ़ गई तरह दियरा में और तोरा चूल्हा में गयी। ये भाग्यशाली है, आप कम बात है। कोई को जल मिलता है गंगा का क्या? आप गंगा जी सबको बचाएंगे, है ना? लालू के इस बयान का सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि लालू ने मजाक नहीं उड़ाया, ये उनका अंदाज है। सब अलग किस्म की बात है, उनका बयान करने का अपना अंदाज है, वो बोलते हैं। तत्काल में कुछ पैसा मिला, वो एक अलग विषय है। बाढ़ पर उपहास करने के लिए, गंगा मैया के सम्मान करने की है और हमारे भारत में गंगा का सामिप्य जो है वो शुद्धता का और उच्चता का प्रतीक माना जाता है। उनकी टिप्पणी को इसी संदर्भ में। विपक्ष ने लालू प्रसाद यादव के बयान को कड़े शब्दों में निंदा की है। विपक्ष ने लालू के इस बयान को गरीब विरोधी बताया है। भारी बारिश के बाद बाढ़ से मध्य प्रदेश में हालात बदतर हो गए हैं। झाबुआ और मंदसौर में स्थिति काफी खराब है। हालत ये है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और आवागमन के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते गांधी सागर डैम के 5 छोटे गेट खोल दिए गए हैं, जिनमें से 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में भारी बारिश के चलते गांधी सागर डैम का स्तर 1,309 फीट के ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते डैम को खतरा हो सकता है। इस हालात से बचने के लिए छोटे गेटों के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। अगर पानी का स्तर बढ़ता रहा तो डैम के गेट आगे भी खुले रहेंगे। मुश्किल ये है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मंदसौर के अलावा भिंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। उफनती चंबल नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा सतना और रीवा में हालात खराब हैं, जहां सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गंगा के बढ़े जलस्तर ने उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात बिगाड़ दिए हैं। गंगा से सटे सभी जिलों में बाढ़ अपने प्रभावी भूमिका में है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी में इलाहाबाद से वाराणसी तक बाढ़ से हाल बेहाल है। इलाहाबाद में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद है। गाजीपुर में सभी स्कूल 31 अगस्त तक बंद है। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही नदियां यहां खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। भदोही में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहां गंगा का जलस्तर 80.900 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि गंभीरता को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। अफसरों को निरीक्षण और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा में उफान से उसकी सहायक नदियां भी उफन रही हैं, जिसके चलते खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आर्मी को हमने अलर्ट पे रखा है और आर्मी की आवश्यकता जहां होगी, स्पेशली जहां पे मरून हो गए लोग, उनको रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स की भी हम लोग मदद ले ही रहे हैं। आर्मी को अलर्ट पर रखा है, डायरेक्ट मदद नहीं ले रहे हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के बाद गंगा और उसके सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य के मद्देनजर अलर्ट पर है। भारत की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अरुणाचल प्रदेश में तैनाती पर चीन का रिएक्शन आया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पीपुल्स डेली के मुताबिक ब्रह्मोस की तैनाती से इलाके में निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। चीन का ये भी मानना है कि भारत के इस कदम के पीछे टकराव का नजरिया है। केंद्र सरकार ने केवल बस इस बात की ही मंजूरी दी है कि अरुणाचल में ब्रह्मोस की 4th रेजिमेंट की तैनाती की जाएगी। ब्रह्मोस की तैनाती से पहले अरुणाचल में खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई की भी तैनाती की गई थी। 19 अगस्त को पासीघाट में मॉडल लैंडिंग ग्राउंड में सुखोई की लैंडिंग हुई थी। चीन भारत के इसी फैसले से घबराया हुआ है। रियो ओलंपिक्स में देश को सिल्वर मेडल जिताने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का विजयवाड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें सम्मानित भी किया। विजयवाड़ा में खुली बस में सवार होकर पीवी सिंधु का विजय जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सिंधु के स्वागत के लिए हजारों खेल प्रेमी जुटे। सड़क पर दोनों तरफ खड़े होकर लोग सिंधु का वेलकम किया। आपको बता दें कि कल हैदराबाद पहुंचने पर भी सिंधु का जोरदार स्वागत हुआ था। उनके फैंस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार वेलकम किया था। एयरपोर्ट से सिंधु को एक जुलूस के साथ गच्छी बोवली स्टेडियम ले जाया गया, जहां उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल सिंधु बैडमिंटन में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। गुजरात के जूनागढ़ में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल किशोर दवे नाम के ये पत्रकार जहीन अखबार में काम करते थे और उनकी ऑफिस में ही उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीती रात धारदार हथियारों से लैस बदमाश उनके दफ्तर में घुसे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पत्रकार के भाई का आरोप है कि इस हत्या के पीछे पूर्व सिंचाई मंत्री के बेटे का हाथ है। किशोर दवे के भाई का आरोप है कि उनके भाई ने महिला से छेड़खानी से जुड़ी एक खबर छापी थी। इस मामले में पूर्व मंत्री के बेटे पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप था। इस खबर के छापने के बाद से ही किशोर दवे को लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को ना ही इस मामले में कोई सुराग मिला है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली में एक बार फिर दरिंदगी की वारदात हुई है। मंडावली में 8 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पीड़िता को फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की है। यहाँ के यमुना खादर गांव इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने घर के बाहर से उठा लिया और पास के जंगल में ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़ित किसी तरह घर पहुंची और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। अभी 3रे आरोपी की तलाश जारी है। लड़की आई हमारे पास, उसी ने बताया है। तब पुलिस को फोन किया, पुलिस आई है, पुलिस को भी बयान दिए लड़की ने।
पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गांव के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। असम में बीजेपी नेता के बेटे को उग्रवादी संगठन उल्फा ने किडनैप कर लिया है। उग्रवादियों ने बीजेपी नेता से आईएसआईएस के अंदाज में फिरौती मांगी है। फिरौती मांगने का ये वीडियो उल्फा ने जारी किया है। हालांकि इंडिया 24/7 इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में हरी टी शर्ट पहने घुटनों के बल बैठा लड़का असम के बीजेपी नेता रत्नेश्वर मोरन का बेटा है। वीडियो में कुलदीप के चारों और पांच नकाबपोश किडनैपर्स हथियार के साथ पीछे खड़े हैं और आईएसआईएस के अंदाज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। वीडियो में कुलदीप मोरन अपने पिता, अपने चाचा और असम के सीएम सर्बानंद सोनेवाल से अपने रिहाई की अपील कर रहा है। कुलदीप को 1 अगस्त को उल्फा ने अरुणाचल प्रदेश से किडनैप किया था। कुलदीप के पिता रत्नेश्वर मोरन जिला स्तर के बीजेपी नेता हैं। रत्नेश्वर मोरन के मुताबिक उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को रिहा करा सके। बता दें कि कुलदीप मोरन के चाचा बोलीन चेतिया भी बीजेपी के विधायक हैं। पुलिस का कहना है कि वो वीडियो की विश्वसनीयता का दावा नहीं कर सकती। फिलहाल पुलिस की कोशिश कुलदीप को छुड़वाने की है।